दिनों से मैं घूम रहा था एक चीज के लिए, वो है ये। अब ये क्या है? बुक्स हैं। अब आप कहोगे कि बुक्स इनमें अलग क्या है? इनमें बहुत ज्यादा चीजें अलग हैं। सबसे पहले तो ये नर्सरी केजी का सेट है। अब इसमें आपको मिलेगा बॉक्स। बच्चे के लिए ये चीज अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए जो कंपनी है वो बुक्स को बॉक्स में देती है। अब जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें मिलेंगे फ्लैश कार्ड्स। इन फ्लैश कार्ड्स का यूज मैं बाद में दिखाऊंगा। जो आसपास के किसी भी स्कूल में चीज नहीं है, वो चीज मैं लेकर आया हूं। वो क्या है? हर एक बुक पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। अब आप कहोगे इस क्यूआर कोड का फायदा क्या है? अब मान लीजिए बच्चे ने ये बुक पढ़ी, यहां पर टीचर ने बुक पढ़ाई। अब पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि सर हमारा बच्चा फोन में लगा रहता है, हमारा बच्चा स्कूल से आता है, बैग रखा, कपड़े चेंज किए, खाना खाते हुए फोन चला रहा है, कार्टून्स देख रहे हैं, ये चीजें देख रहे हैं। तो उस चीज का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी फोन है, तो उस फोन से हम कैमरा ओपन करेंगे, कैमरे में इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। जैसे मैंने ये क्यूआर कोड स्कैन किया, अब स्कैन करने से होगा क्या, ये वीडियो चल गई भाई। जैसे हमारे पास ये बुक है, बुक का सेकंड चैप्टर, मैंने सेकंड चैप्टर ओपन किया तो ये यूट्यूब पर अपने आप वीडियो आ गई। क्या यही है मैम? बिल्कुल हाँ। तो एनिमेटेड वीडियोस बच्चे को मिलेगी, जिससे बच्चा बोर नहीं होगा और चीजें अच्छे से लर्न होंगी। तो ये एडवांटेज है भाई। पेरेंट्स क्या कहते हैं, सर हमें आजकल की पढ़ाई समझ में नहीं आती। तो आपको समझने की जरूरत नहीं, जब बच्चा इतना कैपेबल है, बच्चे के पास इतना पावरफुल डिवाइस है कि वो घर बैठे वीडियोस भी देख सकता है और स्कूल में टीचर भी उसको पढ़ाएगा, तो वो एक काफी ज्यादा एडवांटेज हो जाते हैं। तो हर एक बुक से पहले, हर एक बुक के कवर पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। अब यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। हर एक बुक में 3D मॉडल्स मिलेंगे, जिससे चीजें इमेजिन करना काफी ज्यादा आसान है। रेड एंड एग फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे, वाइप एंड क्लीन शीट्स मिलेंगी, जो चीज मैंने यहाँ पर रखी थी सबसे पहले। अब मैं आता हूं इस पर। इस पर क्या है, जिसे हम क्या करते हैं भाई, नोटबुक्स लगवा दी बच्चे की। अब नोटबुक फाड़ देता है या उसमें राइटिंग अच्छी नहीं आ पाती। अब ज्यादा छोटा बच्चा है, राइटिंग कैसे सीखेगा? जब उसको कोई चीज ड्रॉ करके हम देंगे, तो बच्चे के पास हर एक बच्चे को हम मार्कर देंगे। मार्कर से क्या होगा, बच्चा इस पर लिखेगा, लिखने से राइटिंग अच्छी होगी और इसको कपड़े से साफ किया जा सकता है। इन सभी फ्लैश कार्ड्स को कपड़े से साफ किया जा सकता है। तो जितनी ज्यादा बार हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी। और अगर बच्चे की राइटिंग अच्छी है, तो वो आगे जाके मार नहीं खाएगा। अगर कोई बड़ा, मतलब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसकी राइटिंग इंप्रूव नहीं हो सकती, छोटे बच्चे की राइटिंग इंप्रूव हो सकती है। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान हमने दिया है। नेक्स्ट है इसमें डेज ऑफ द वीक्स और कलर्स, सारी चीजें हर एक के फ्लैश कार्ड्स हैं, जिससे चीजों को याद करना काफी ज्यादा आसान बन जाता है। तो आसपास के किसी भी स्कूल में ये वाली बुक नहीं है जो डिजिटल हो पूरे, जिसको हम मतलब फोन से भी मतलब सारी चीज देख सकते हो। तो ये नई चीज मैं लेकर आया हूँ नर्सरी और केजी के लिए। फर्स्ट और फिफ्थ क्लास की जो बुक्स हैं, उनको मैं डिस्क्लोज करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स के पास, फ्रेंड्स के पास, और बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं इग्नाइट एजुकेशन सेंटर में। और जो एडमिशन है वो नर्सरी से लेकर 12th क्लास सभी क्लासेस के लिए हैं। तो जितना ज्यादा हो सकता है हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, नंबर मैं आपको डाल दूंगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।